क्यों लगाया जाता है? ये तिलक लगाया और माला पहना है, तो ये पहनने से क्या भगवान मिल जाएंगे? इतना करने से नहीं मिलेंगे, इसके लिए क्या करना होगा? तो बोले अपने मन को निर्मल करिए, साफ करिए, मन का मंजन करिए। देखिए आप कहीं पार्टी में जाते होंगे, मूवी देखने जाते होंगे, वहाँ क्यों जाते हैं? मनोरंजन के लिए। लेकिन यहाँ तो आप आए हैं मनोरंजन के लिए नहीं, मन के मंजन के लिए आए हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। और तिलक लगाने से अगर भगवान नहीं मिलते तो ये आप तिलक क्यों लगाए हो? प्रश्न सबके मन में है। देखिए जब तक हम बुराई को नहीं छोड़ते तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। अगर भगवान के निकट जाना हो तो अपने अंदर जितने भी बुराइयां हैं सबको हटाइए। धीरे धीरे करके हमने कितनों का दिल दुखाया होगा, सबके नजरों में अच्छा बनिए। ये कैसे संभव होगा? परोपकार से। परेषाम उपकार परोपकार, दूसरों का भला करना, दूसरों से अच्छे से बात करना, कभी बाड़ी से ही नहीं दिल से भी कभी दूसरों का अपमान मत करना। ये हुआ सबसे फर्स्ट नंबर में बुराई का अंत करना। और धीरे धीरे अपने अंदर जितने भी बुराइयां हैं सबको हटाइएगा। और तिलक लगाने के बाद, माला पहनने के बाद अगर हम बुरा काम करने भी जाते हैं तो ये तिलक माला उस काम को रोक लेता है। हमारे मन में ये भाव स्वतः आएगा, अरे तुमने तिलक लगाया है, माला पहना है, क्या करने जा रहे हो? उस बुरा कर्म से रोकता है, इसलिए तिलक लगाया जाता है। इसीलिए हम पीले वस्त्र पहनते हैं। अपना वेशभूषा का तो ध्यान रखो, क्या करने जा रहा है मन कह देगा। ये एक मार्ग है भगवत प्राप्ति के लिए। और वास्तव में संत वही है जिसके मन में सभी प्राणी के प्रति समान भाव हो, जो उदार हो, जिसके मन में परोपकार का भाव हो।